आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे इसके लिए हमने एक किलो गाजर ले ली है उसको अच्छे से पानी से धो लिया है छील भी लिया है अब हम एक कद्दूकस लेंगे उसमें जिस तरफ छोटे वाले दांते होते हैं उस तरफ से हम सावधानीपूर्वक इस गाजर को घिसेंगे इस तरह से धीरे धीरे करते हुए हम अपनी पूरी गाजर घिस लेंगे जब हमारी गाजर घिस जाएगी तब हम गैस के ऊपर एक कढ़ाई चढ़ाएँगे उसके अंदर हमें डालना है वन टेबल स्पून देसी घी जब वो घी मेल्ट हो जाएगा तो हम उसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल के उन्हें भी भूज लेंगे जब देखेंगे कि ड्राई फ्रूट्स भूज गए हैं तो हम उसके अंदर घसी हुई गाजर डाल देंगे सारी गाजर आराम से डाल देंगे और डालने के बाद उस गाजर को भी हम उस घी में अच्छे से भूंज लेंगे थोड़ी देर तक इसे इसी तरह चलाते हुए हमें भूंजना है और जब ये थोड़ी देर तक भूंज जाएगी तो इसका कलर अपने आप चेंज हो जाएगा जैसे दिखा रहे हैं स्क्रीन पे वैसे ही और जब हमें लगे कि इसका कलर चेंज हो गया है तब हमें इसके अंदर डालना है दूध दूध उबला हुआ होना चाहिए और रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए अब हम इसमें डेढ़ कप दूध डाल देंगे और उसको भी इसमें आपस में मिक्स कर देंगे और धीरे धीरे इसको हिलाते हुए पकाना है इसे छोड़ना नहीं है बीच बीच में इसे हिलाते रहिए और धीरे धीरे इसी तरह हिलाते हुए इसे पकाते रहना है और देखिए थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि दूध भी गाजर के अंदर एब्जॉर्ब हो गया है जब तो हमें लगे कि दूध भी ऑब्जर्व हो गया तब हम इसमें डाल देंगे चीनी जितनी भी आपको अच्छी लगती है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा आप इसमें चीनी डालिए चीनी डाल के उसको भी आप उसमें मिक्स कर देंगे और बीच बीच में इसको भी चलाते रहेंगे इसे छोड़ना नहीं है इसी तरह चलाते हुए इसे पकाना है थोड़ी देर बाद चीनी भी इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी आपस में एब्जॉर्व हो जाएगी और हलवा पूरा इस तरह से हो जाएगा जैसा दिख रहा है आपको स्क्रीन पर इस तरह से जब आपका हलवा हो जाए तो उसे थोड़ी देर और इसी तरह हिलाते हुए चलाइए और इस तरह से हमारा गाजर का हलवा बन तैयार हो जाएगा अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो थैंक यू